माय चैनल एटन बॉलीवुड कॉर्नर। भाई लोग डंकी का टीजर आ चुका है जिसे ड्रॉप वन का नाम दे चुका है। तो टीजर की बात करें तो टीजर की शुरुआत ही आवाज़ खूबसूरत से यानी कि गाने से हुई है जो काफ़ी अच्छा लगा। स्टार्टिंग का डेजर्ट वाला सीन है, शाहरुख खान उसके साथ कुछ लोग है जो ब्लैक कपड़ों में, और यहाँ पर शाहरुख खान की बियर्ड है और थोड़ी एज हुई लगती है, लाइक वो भाग रहे किसी चीज़ से, मतलब बॉर्डर क्रॉस कर रहे ऐसा फील हो रहा है। और दूसरी तरफ भी जैसे सीन बदलता है हमें दिखाई देता है कि शाहरुख खान का यंगर वर्जन, पंजाब के अंदर ये स्टोरी आई तो शाहरुख खान दिखाए जाते हैं, उसके साथ उसकी पूरी मंडली दिखाई जाती है जिन्हें इंडिया से बाहर जाना है, तब हम जा भी जाते हैं शायद, और उसी के ऊपर ही पूरी स्टोरी है कि इंडिया से बाहर कैसे जाते हैं, फिर उनके साथ क्या क्या होता है और वो फिर से इंडिया कैसे आते हैं, इसी पर एक डंकी की पूरी स्टोरी जो टीजर से मुझे जितना समझ में आया उस हिसाब से। ये इसके अंदर रोमांस है, कॉमेडी है, ड्रामा है एंड देशभक्ति है। सो, ये फिल्म की स्टार्टिंग ही ना, मतलब जब पंजाब का जो माहौल दिखाया गया तो आमिर खान की पुरानी फिल्मों की याद आई, मतलब इसी तरह की होती है ना आमिर खान की फिल्में, तो राजकुमार हिरानी ने का टेस्ट है मतलब फ्लेवर। बट ना ये फिल्म पुरानी फिल्मों की रिपीटेटिव स्टोरी ना हो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ। देखते ये फिल्म आगे जाके कैसी होती है क्योंकि इसका ड्रॉप 2 भी आने वाला है। आई डोंट नो अब ट्रेलर कब आएगा, बट अगले महीने शायद इसी महीने ड्रॉप 2 आ जाए, तो अगले महीने दिसंबर में तो शायद फिल्म रिलीज हो जाएगी। आपको इस टीजर के बारे में कैसा लगा जरूर बताना, मुझे गुड इनफ लगा। तो मिलता है, बाय बाय।